हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर डे। तो बस आज 10 मुहर्रम है, योम अशूरा का दिन है और थोड़ी देर हुई है बस। मैं सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, अभी अभी उठी हूँ। बस उठ के तो घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं, सफाई वगैरह ये वो सारी चीज़ें वो करनी थी, कुछ कपड़े वगैरह धोने थे वो धोए। और जाहिर सी बात है, सावन का महीना है तो डेली के डेली कपड़े चेंज होते हैं, डेली के लिए डेली कपड़े धोने पड़ते हैं। तो ये घर के बस छोटे मोटे काम, कुछ बर्तन थे वो धोए, नाश्ता वगैरह किया। और अभी जो है तो नमाज़ का टाइम है। नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ बनाने लगी हूँ, देखती हूँ कि क्या बनाना है। और 10 मुहर्रम का दिन है, कुछ थोड़ी बहुत बात 10 मुहर्रम के दिन से किस रिलेटेड भी करनी है तो वो भी करूँगी इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, जो जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और जो लोग मेरी वीडियो पे नए आने वाले हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ऐसा ऐसा इंशाल्लाह आप लोग, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग पे हूँ, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ पर कर नहीं पाती। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से, और बस मैं अभी अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। दिन का टाइम है, जोहर का टाइम है और बस नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़, गर्मी बहुत है, पंखा बंद करके मैं वीडियो बना रही हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ गाइस, जो लोग भी मेरे वीडियोस पर नए आते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट होगी तो ही कुछ हो पाएगा। और अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ, आई नो इतनी अच्छी नहीं होती मेरी वीडियोस, क्या पता कोई नहीं देखता होगा, बट ये है कि लाइक कर दिया करें। एक मिनट की बात होती है, एक सेकेंड की बात होती है, प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर आप लोगों को क्लिक ही करना होता है, तो काइंडली कर लीजिए। और मैं अभी जा रही हूँ भाई कुछ लेने, कुछ आज मीठा बनाने का दिल कर रहा था। इस बाकी बातें बाद में होंगी, इसलिए नहीं कि आज मैं कुछ स्पेसिफिक दिन है तो इसलिए कर रही हूँ। मोस्टली मैं करती रहती हूँ, और कुकिंग का मेरा चैनल है, घर से रिलेटेड होते हैं, मेरा कंटेंट ही यही है, तो ऑब्वियसली मुझे एक ना एक वीडियो डालनी होती है। तो इस वजह से बाकी भी वो सही बातें हैं जो वापस आके करूँगी, जो मेरी नॉलेज में जो मैंने सुनी सुनाई है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक चलते हैं बाहर, बाहर जाके कुछ लेके आते हैं फिर बात करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ अभी बाहर, कुछ लेके आते हैं और लेके आके फिर वापस आके बनाते हैं कि क्या बनाना है, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या बना रही हूँ। जैसे लोग भी वीडियो पर नए आ रहे हैं तो पहले जाके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। निकलते हैं बाहर, निकल के फिर आगे देखते हैं कि क्या लेती हूँ। थर्ड पोर्शन से नीचे आते आते ना बंदे की हालत ठीक हो जाती है। बारिशें हुई हैं, बारिशों की वजह से सीढ़ियाँ सारी गंदी हुई हुई हैं, तो अभी चलते हैं बाहर। यहाँ पे आ गई हूँ मैं बाहर वनेला में, अभी मैं वापस आ गई हूँ और कुछ जो जो चीज़ें मैंने लानी थी वो मैं लेके आ गई हूँ। और अब बनाते हैं कि क्या क्या लेना है, क्या 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 लिया है और क्या क्या बनाना है। तो मैं कुछ मीठा बनाने वाली हूँ, मीठा बनाते हुए मैं आपको। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली थी गरम, यहाँ पे मैं दूध गरम करने वाली हूँ, दूध डालने वाली हूँ इसमें। तो मैंने कहा पहले कढ़ाई को रख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी था, ये अच्छे से खुश्क हो जाए। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ दूध और बनाने लगी हूँ मैं कस्टर्ड, और देखते हैं आज कैसा बनता है। आई होप बहुत अच्छा बने, वैसे मैं बहुत अच्छा कस्टर्ड बना लेती हूँ, बट देखते हैं आज कैसा बनता है। यहाँ पर मैंने दूध रख लिया है और दूध को बॉईल होने के लिए रख लिया अच्छी तरह से। जब दूध बॉईल हो जाएगा तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी कस्टर्ड। ऐसे तो गाइस दूध गर्म हो रहा है, जब तक ये गर्म होता है कुछ बातें कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा है ना कि मैं बाहर गई तो बहुत सारे लोगों ने सबील लगाई हुई थी, कोई जामेश्वरी दूध दे रहे थे, कोई लोग तेरे बाँट रहे हैं, कोई लोग चावल बाँट रहे हैं। तो कल परसों की बात है कि
एक वीडियो देख रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये सबील लगाना एक बिदत है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं पानी पिलाना सवाब है, समझ नहीं आती हम लोगों को तो इस्लाम के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, कि कुछ लोग कह रहे थे कि आप जब दिल करता है आप लोग सुन्नी हो जाते हो, जब दिल करता है रमज़ान आता है आप लोग सुन्नी हो जाते हो, जब मुहर्रम आता है तो शिया हो जाते हो, ऐसा कुछ कुरान हदीस में है नहीं कि सबील लगाना इस तरह करना ठीक है। और हम लोग अब शुरू से देख, जाहिर सी बात है खाना देना या अल्लाह के नाम पे अगर खाना देना है, मुझे लगता नहीं है कि ये एक गुनाह है। तो अपने अपने फ़िरके बन गए, हज़ारों फ़िरके बन गए, कोई समझ नहीं आती क्या सही है क्या गलत है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलने की और जो हमारा दीन है वो हमें समझ आ जाए और हम लोग जो है ना सीधे रास्ते पे चलें, और आमीन सुम्मा आमीन। और किसी को अगर कोई दे रहा है सबील या कुछ तो ये उनकी मसलियत, आप अपनी मसलियत ना छोड़ो लेकिन किसी को तंग मत करो। हर किसी का अपना फ़िरका, हर किसी की अपनी 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 बात है कि कोई सवाब सवाब तो है ही, पानी पिलाना खाना खिलाना मुझे नहीं लगता ये कोई गुनाह है। बट फिर भी कुछ लोग कहते हैं ये स्पेसिफिक इस दिन के लिए है तो इसलिए ये हर दिन अगर सवाब है तो फिर हर दिन क्यों नहीं। तो खैर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें ये समझने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें इतना ज़हन दे कि हमें समझ आ जाए कि क्या सही है क्या गलत है। तो खैर से दूध गर्म हो गया, अब हम इसमें डालते हैं कस्टर्ड और शामिल करते हैं इसमें कस्टर्ड, और कस्टर्ड को मैंने दूध में हल करके छोड़ दिया है और अभी मैं इसमें डालती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। कस्टर्ड मैंने इसमें डाल दिया और साथ साथ इसमें मैंने चम्मच चलाते रहना है क्योंकि ये जो है ये इसकी फिर गुटलियाँ बन जाती हैं, तो साथ साथ आपने चम्मच को हिलाते जाना है। एक्चुअली मेरा किचन थोड़ा तंग है और मैं इसी तरह से वीडियो इजीली बना नहीं सकती, और बस ये हमारा कस्टर्ड की इतनी कंसिस्टेंसी जो होती है वो बिल्कुल ठीक होती है और इससे ज़्यादा जो है ना गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए। फाइनली हमारा कस्टर्ड जो है जो अपनी एग्जैक्टली जो पोजीशन थी उस पर आ गया और बहुत यम्मी सा कस्टर्ड बन गया। अब इसको हम जो है फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख लेंगे और बाकी प्रोसेस क्या करना है वो जब तक हम वो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रेड कलर की जेली पड़ी हुई थी मेरे पास, मैंने इसको बना के रख लेना है फ्रीज़र में और ये बस तैयार है। रेड कलर की ही थी, एक ही कलर मेरे पास अवेलेबल था, तो जो छोटी कम से कम चीज़ें जो मेरे पास हैं उसी से मैं आप लोगों को कस्टर्ड बनाना सिखाती हूँ। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं, जब तक जेली को रखते हैं फ्रिज में जब तक ये ड्राई हो जाएगी फिर आपसे मिलते हैं। मेरा ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है और बहुत ही यमी सा बना है, कोई लम्स नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, और इसी में मैं चीज़ें डालूंगी। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं और मैंने जेली ठंडी होने के लिए रखी हुई है, और ये जो साथ में ये टिकोरियाँ वगैरह हैं ना ये सब मेरी जो आस पड़ोस की हैं, मेरी फ्रेंड्स वगैरह ये सब उनकी हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बनाते हैं और ये भी वापस कर दूं। हमारी मम्मी कहती हैं कि ये जिसके भी बर्तन आए उसका बर्तन खाली नहीं भेजना चाहिए, तो ये भर के पहले इसी में इसी के अंदर मैं गार्निशिंग करूँगी, जो जो डालना है इसी के अंदर डालना है और फिर इन लोगों को डाल के दे के तो इनके बर्तन वापस करने। एक्चुअली मैं अकेली होती हूँ तो होता ही है कि कभी किसी ने सालन दे दिया, किसी ने स्वीट दे दी, किसी ने कुछ दे दिया, तो बस वो वापस करते करते मैं जब कभी बनाती हूँ तो ऐसा ही बनाती हूँ, दो एक ही दो बंदे हैं हम लोग तो आराम से फिर वो वापस नहीं होते, तो मैंने सोचा आज ये वापस भी कर दूँ। एक बाउल है ना, इसको मैं थोड़ा गार्निशिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी, इसमें थोड़ा सा मैं अपने लिए रखूंगी, बाकी जो है उसी में सारी मिक्सिंग करूंगी और वही जो मैंने देना है उनको दे, मतलब जो जो मेरे पास जिसकी टिकोरियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं उनको देना है वापस। तो सेटिंग सिर्फ इसकी करके दिखाती हूँ, मतलब गार्निशिंग में इस तरह करती हूँ वो मैं आप लोगों को इस बाउल में करके दिखाऊंगी, ये मैंने थोड़ा सा अपने लिए रखना है, बाकी जो है ना सारा जाएगा इधर उधर। तो सबसे पहले मैंने ये बनाना पड़े हुए थे घर में, जो घर में थे अवेलेबल वही हैं और नहीं लाए, उनकी एक तह लगा दी, अब इसके ऊपर मैं कस्टर्ड की तह लगाऊंगी। कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो गया था, हमारा जो कस्टर्ड था वो बिल्कुल ठंडा हो गया था, अब मैं जो है ना इसमें डाल सकती हूँ, मैं ठंडा होने का वेट कर रही थी। चलें जी, ये लग गई है तह कस्टर्ड की और अब क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो मेरे पास से सुपर बिस्किट है, आई मीन मैं पता नहीं बाय शॉप्स सारी नहीं खुली थी, कुछ मुझे मिला नहीं, मैं केक चाह रही थी बट मुझे केक मिला नहीं, तो जब केक ना हो तो आप उसमें सुपर बिस्किट या कोई भी आप अपने मर्जी का क्रीम के अलावा जो भी बिस्किट है वो आप ऐड कर सकते हो। तो मैं इसमें डाल रही हूँ सेकेंड लेयर जो मैं लगा रही हूँ बिस्किट की लगा रही हूँ, अभी मैं लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ।
तो गाइस ये लग गई है सेकंड लेयर। अब इसके ऊपर हम एक और लेयर लगाते हैं और उसमें हम क्या रखेंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और बस जो जो अवेलेबल था उसी से बना रही हूँ, लेकिन यकीन करें गाइस बहुत मज़े का बना है। मैंने जस्ट कस्टर्ड मैंने चखा है, वो ही बहुत मज़े का है। तो चलिए नेक्स्ट लेयर लगाते हैं। अब एक और लेयर लग गई है, अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। थर्ड लेयर जी आ गई है हमारी ड्राई फ्रूट्स की, तो इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने डाल दिए हैं। अब जो आखिरी लेयर लगेगी वो लगेगी मैंने जो जेली ठंडी करने के लिए रखी हुई है फ्रिज में उसकी। तो हमारा मज़ेदार किस्म का कस्टर्ड हो गया है तैयार। बहुत इजी, बहुत आसानी से बन जाता है। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत यमी बनता है। और जब ये सही तरह से ठंडा होता है ना, फिर ये खाने में डबल मज़ा करता है। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अभी मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, फिर करती हूँ व्लॉग का एंड और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ जाली जाली बन के हो गई थी तैयार, और इसके मैंने ऐसे पीसेस कर लिए थे और ये मैं बस इसके ऊपर डालूँगी और हमारी फाइनल लुक तैयार हो जाएगी। सफाइस मज़े की बात बताऊँ, जब मैं जाली सेट करने लगी थी तो मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था। तो अभी मैं फ्रिज के अंदर जो मैंने रखी थी वो उसका मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रही हूँ। बहुत जमी बना था, बहुत ही मज़े का बना था। और ये थोड़ी थोड़ी जली मैंने इसमें भी रखी थी जिस सबके वापस करने थे। सो गाइस बस शाम का टाइम था तो सारे काम रख लिए थे, पूरे दिन की थकन थी और जो जो काम करना था मैंने कर लिया था। अभी शाम के टाइम मेरी फ्रेंड आई हुई थी पास, हम लोग बैठे हुए थे तो चाय पीने का दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा चाय बनाते हैं और साथ में चाय इन्जॉय करते हैं। चाय को देख के आपको लग रहा होगा कि चाय कितनी मज़े की बनी हुई है, और वैसे भी मैं चाय लवर हूँ, जो बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं जिनको पता है मैं चाय बहुत पीती हूँ। और व्लॉग का एंड करते हैं इसी चाय के साथ। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।